सब्सक्राइब कीजिए टेक्नोरोहित यूट्यूब चैनल को और साथ में बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिएगा लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं ओप्पो A92s के बारे में। तो ओप्पो बहुत ही जल्द अपना एक नया स्मार्टफोन ए सीरीज के अंदर लॉन्च करेगा और ये स्मार्टफोन है ओप्पो का A92s। हालांकि नाम थोड़ा कन्फ्यूजिंग है लेकिन स्मार्टफोन उतना ही ज़्यादा यहाँ पर पावरफुल है। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को इसी नए स्मार्टफोन के बारे में बताऊंगा, यहाँ तक कि इस स्मार्टफोन का ऑफिशियल रेंडर निकल के सामने आ चुका है और सेम ये स्मार्टफोन वैसा यहाँ पर दिखने वाला है। फ़ोन काफ़ी इंटरेस्टिंग है, डेफिनेटली आप लोगों को पसंद आएगा अगर ओप्पो इस फ़ोन की सही प्राइसिंग रखता है तो। मेरे ख्याल से ये वन ऑफ द बेस्ट स्मार्टफोन यहाँ पर होने वाला है। अगर हम लोग बात करते हैं बैक साइड के कैमरा डिज़ाइन के बारे में तो ये सिमिलर लगेगा आपको देखने में आईफोन 11 सीरीज से। तो कुछ उसी टाइप का यहाँ पर ओप्पो इंस्पायर हुआ है और आपको कुछ उसी टाइप का लेआउट यहाँ पर देखने को मिलेगा जिस तरह से आपको आईफोन के 11 सीरीज में देखने को मिलता है। हालांकि कुछ नए डिज़ाइन भी यहाँ पर ओप्पो ने दिया है लेकिन हाँ ये इंस्पायर है आईफोन 11 सीरीज से ही। देखने में काफ़ी अच्छा लगता है और आप लोगों को फ्रंट साइड में डुअल पंच होल डिस्प्ले मिलेगा जो कि और भी ज़्यादा यहाँ पर इंटरेस्टिंग बना देता है। सबसे पहले बात करते हैं इस स्मार्टफोन के डिस्प्ले के बारे में। तो यहाँ पर आपको मिलेगा 6.57 इंचेस का एक फुल HD प्लस वाला डिस्प्ले जो कि एक IPS LCD डिस्प्ले होगा और यहाँ पर आप लोगों को 120 हर्ट्ज का डिस्प्ले मिलेगा। 120 हर्ट्ज के यहाँ पर आपको रिफ्रेश रेट वाला डिस्प्ले मिलेगा, यानी कि डिस्प्ले की जो क्वालिटी होगी वो काफ़ी ज़बरदस्त होगा और काफ़ी स्मूथली ये स्मार्टफोन का डिस्प्ले यहाँ पर रन करने वाला है और आप लोगों को डिस्प्ले के मामले में कोई भी दिक्कत यहाँ पर नहीं होगा। ये स्मार्टफोन 5G को सपोर्ट करता है। जी हाँ, आप लोगों ने बिल्कुल से सुना है, इस स्मार्टफोन में 5G का सपोर्ट आप लोगों को मिलने वाला है और इस स्मार्टफोन में जो चिपसेट यहाँ पर ओप्पो इस्तेमाल करने वाला है वो है मीडियाटेक का डायमंडसिटी 800। पहले बहुत ज़्यादा लीक्स निकल के सामने आया था कि जो रेडमी का नोट 9 प्रो मैक्स आएगा उसमें आपको मीडियाटेक का डायमंडसिटी 800 वाला चिपसेट देखने को मिलेगा, लेकिन वैसा नहीं हुआ। अब आपको ओप्पो के A92s में मीडियाटेक का डायमंडसिटी 800 वाला चिपसेट यहाँ पर देखने को मिलेगा जो कि मेरे ख्याल से काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। ये स्मार्टफोन 3 वेरिएंट के साथ आएगा, 8GB और 6GB। 8GB में आपको दो ऑप्शन मिलेगा और 6GB में आपको एक ऑप्शन मिलेगा। तो डिस्प्ले काफ़ी अच्छा होगा और चिपसेट भी इस फोन का काफ़ी ज़बरदस्त है। यहाँ पर आपको बैक साइड में क्वाड कैमरा का सेटअप मिलेगा। प्राइमरी कैमरा होगा 48 मेगापिक्सल का, 8 मेगापिक्सल का आपको अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस और 8 मेगापिक्सल का एक लेंस दिया गया है, उसे क्लियर नहीं किया गया कि कौन सा लेंस है। और 2 मेगापिक्सल का आप लोगों को डेप्थ सेंसर यहाँ पर मिलने वाला है। 16 मेगापिक्सल प्लस 2 मेगापिक्सल का आप लोगों को डुअल पंच होल कैमरा मिलेगा और ये फ्रंट कैमरा है, आप सेल्फी के लिए आपको डुअल कैमरा यहाँ पर ओप्पो दे रहा है। तो फ़ोन का स्पेस मेरे ख्याल से काफ़ी अच्छा है। जो चिपसेट है वो तो एक नया चिपसेट है, मीडियाटेक का डायमंडसिटी 800 5G को सपोर्ट करता है। ओवरऑल काफ़ी अच्छा लग रहा है, देखते हैं कि प्राइसिंग क्या रखता है। उम्मीद करते हैं कि 20,000 के आसपास ये स्मार्टफोन आए। अगर इंडिया में 20,000 के आसपास आते तो मेरे ख्याल से काफ़ी अच्छा डील होगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।